बेमित्रा जिले में मनरेगा के तहत किए गए पौधों का रोपण बुरी तरह से फ्लॉप नजर आ रहा है। पूरे में जिले में कई नर्सरी बदहाली के आंसू बहा रही है, तो धनगांव में मनरेगा के तहत साल 2017-18 में 8 लाख की लागत से 1,250 पौधों का रोपण किया गया था, लेकिन इन पौधों का संरक्षित नहीं किया गया था और नर्सरी भी बंजर नजर आ रही है। अब एक बार फिर जिम्मेदार विभाग ने गांव में 5,85,000 के बजट से पौधारोपण करने की तैयारी की है। अब सवाल यह उठता है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जिला हरा भरा नहीं हो सका, पौधा पालन के प्रति जिम्मेदार विभाग लापरवाह बना हुआ है। निर्देशित किया है कि जो भी वृक्षारोपण स्वीकृत किए गए हैं उसमें वृक्षों को चीजें रखने की जवाबदारी जो है केरला एजेंसी की ही रहेगी करके, और हम उम्मीद करते हैं कि वहां पर वृक्ष भी जो है सुरक्षित राजधानी